खेल गया, बल्ला पहले घुमा गेंद बाद में गई, बाकी का विकेट कीपर ने किया। डॉट बॉल पावर प्ले, पहला ओवर पावर प्ले के रूप में खिलाया जा रहा है। 30 यार्ड सर्कल में सभी खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, केवल दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से बाहर है। इस बार ऑफ्सेट से बाहर जाती है, गेंद को कट कर दिया, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, केवल एक रन। गीता नगर की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन देते हुए, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग और अच्छी बल्लेबाजी भी की आज उन्होंने, और अपनी टीम को विजय दिला करके दूसरे राउंड में पहुंचे हैं। और फ्रेंड्स उनके सामने ये मुकाबला चलता हुआ, जो भी टीम विजयी होगी वो अगले पायदान पर पहुंचेगी। इस बीच बढ़िया शॉट है, पुल कर दिया है, गेंद जा रही है, में खेलना चाहते थे आशीष असफल रहे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, शॉट थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई, जब तक गेंद को फील्ड किया था, एक रन आसानी से दौड़ करके पूरा किया आशीष ने, इस एक रन की बदौलत स्कोर 8 पर पहुंचा। पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ, पहले ओवर की समाप्ति पर 8 रन, पावर प्ले खत्म होता हुआ, फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो फैलता हुआ नजर आ रहा है। गेंदबाजी के लिए देखना है किसे गेंदबाजी सौंपी जा रही है, मुझे लग रहा है कि सुनील होंगे गेंदबाज, सुनील गेंदबाजी के लिए मुंबई एंड से। स्ट्राइक पर है आशीष, बल्लेबाज आशीष, सामना करेंगे दूसरी ओवर की पहली गेंद का। बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन टाइम किया गया है यहां पर, छोटी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, और आशीर्वाद दिया है, आशीष दिया है, सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और गेंद को अच्छी तरह से उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और सीधे थ्रो कर दिया है। बॉलिंग एंड पर केवल एक रन आशीष के खाते में आता हुआ, इस एक रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 15 रन बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर है। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रतीक सामना करेंगे आने वाली गेंद का, गेंदबाज सुनील मुंबई एंड से गेंदबाजी करते हुए प्रतीक के लिए। प्रतीक अंपायर से गार्ड लिया, फील्ड का जायजा लेते हुए तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का लंबे ऊंचे कद के बल्लेबाज। देखना किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं सुनील की आने वाली गेंद का। राइट आर्म ऑफ द विकेट, पटकी हुई गेंद और इसे खेलने का प्रयास किया, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे जा रहे हैं लेकिन नो मैन्स गेंद में लैंड होती हुई गेंद और यह गेंद जा रही है। डीप कवर पॉइंट की दिशा में 3 रन दौड़ करके पूरे किए, अच्छी दौड़ विकेट के बीच में दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, इस तेज धूप में भी अच्छा अपना प्रदर्शन करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इन 3 रनों की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ एक रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे प्रतीक आने वाली गेंद का, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद और हैंडल पर लगती हुई गेंद सीधे फॉलो थ्रो में सुनील के हाथों में और इस तरह से प्रतीक का विकेट गिरता हुआ। यह साझेदारी यहां पर टूटती हुई पहले विकेट की, 19 रन के योग पर पहला विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज हर्ष मैदान पर जाते हुए, मीरा भाईंदर चषक 2023, आयोजक BSUG, पहला इनाम है 1 लाख और एक चषक, दूसरा इनाम है 50,000 और एक चषक। 16 टीमों को आमंत्रित किया गया है 2 दिन तक चलने वाला यह क्रिकेट का टूर्नामेंट। लाइव टेलीकास्ट आप YouTube पर देख सकते हैं GTC लाइव के माध्यम से। आठ टीमें आज जो खेल रही है वो इंटर भाईंदर की टीमें हैं और कल जो 8 टीमें खेलेंगी वो भाईंदर से बाहर की टीमें होंगी। सुनील एक सफलता प्राप्त होती हुई तैयार, बढ़िया गेंद, हमारे बीच यहां पर मीरा भाईंदर के एक बहुत ही बड़े कहूंगा मैं क्योंकि आजकल YouTube पर छाए हुए हैं पत्रकार मीरा भाईंदर ऑन रिकॉर्ड के पत्रकार शाबिर शेख जी यहां पर आए हुए, उनका मैं हार्दिक स्वागत करूंगा और उनसे निवेदन है कि वो मंच पर बैठे। धन्यवाद सर आप यहां पर आए, इस मुकाबले का आप मजा ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मीरा भाईंदर चषक 2023 चल रहा है, दूसरा आज के दिन का ये पहले हाफ का सेकेंड राउंड चल रहा है, गीता नगर वर्सेस फ्रेंड्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। जी मुनाफ के हाथों से उनका स्वागत किया जाएगा, उन्हें सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद साबिर भाई, थैंक यू। मीरा भाईंदर चषक 2023 जिसका ऑर्गेनाइजिंग किया है BSUG ने। साबिर भाई की जानकारी के लिए 1 लाख रुपया और एक ट्रॉफी, आप ट्रॉफी देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रॉफी है, पहला इनाम है। और इस बीच हमारे भी दादा फिर एक बार आते हुए, ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर चे पत्रकार इथे आले आहेत, आम्ही त्यांचा मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत। साबिर शेख मीरा भाईंदर की एक बुलंद आवाज कही जाने वाली आज के दौर में YouTube पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से छाए हुए हैं। शाबिर शेख इस वक्त हमारे बीच मैदान मंच पर उपस्थित है और साथ ही साथ हमारे ठाकुर जी भी उपस्थित है। 4 रनों के लिए
चौके की सहायता से स्कोर पहुंचा है 24 रन पर 24। ओवर नंबर 3 मैदान पर चलता हुआ पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद का स्वागत पंकज के चौके की सहायता से किया है बल्लेबाज हर्ष ने। हर्ष तैयार, हर्ष और उल्लाह के साथ इस बार बैकफुट पर जाकर के खेला है। देखना खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए गेंद रोकने में जरूर सफलता प्राप्त किया। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हर्ष। अच्छी बल्लेबाजी हर्ष की जानिब से, दो गेंदों पर 6 रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए हर्ष ने। शुरुआत हर्ष की जानिब से दो रन की बदौलत स्कोर 26 रनों पर पहुंचा। तीसरा ओवर मैदान पर एक विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में। अगली गेंद पंकज की, इस बार पुल करने की कोशिश है, मिस टाइम स्ट्रोक है। गेंद काफी बल्ले के ऊपर लगी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और बहुत ही बेहतरीन कैच, काफी ऊंचा हवा में गेंद गई थी और अजीम तंबोली जी यहां पर उपस्थित हुए, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस बीच हर्ष आउट होकर मैदान से वापस आते हुए और हर्ष का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर गए हैं विकास। विकास मैदान पर गए हैं, देखना विकास अपनी टीम का कितना विकास करते हैं। जरूरत है उन्हें रुककर खेलने की इस वक्त, जबकि टीम का स्कोर है 26 रन। तीसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर है। पंकज की अगली गेंद ईश्वर की वसई एंड से पटकी हुई गेंद, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास असफल रहा। प्रयास अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, खेलना चाहते थे बल्लेबाज रिवर्स स्वीप लेकिन ठीक से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर एक बार गेंदबाज धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर पंकज 26 रन 26 लॉस ऑफ 2 विकेट इन थर्ड ओवर। इस बार खेलना चाहते थे ऑफ साइड में और गेंद बल्ले के निचले किनारे पर लगकर ऑन साइड में गए। मिड ऑन पर खिलाड़ी खड़े थे और उन्होंने आसान सा एक कैच लपका, इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ। लगातार अब यहां पर विकेट गिर रही है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर पंकज की देखने के लिए मिली। इस ओवर में 2 विकेट प्राप्त किया। हालांकि पहली गेंद पर चौका जरूर जड़ा था बल्लेबाज ने लेकिन अपने आप को संवारते हुए सजाते हुए बहुत ही बेहतरीन उम्दा वापसी की यहां पर पंकज ने और 2 विकेट प्राप्त करके टीम की पूरी तरह से सहायता करते हुए पंकज। छब्बीस रन नए बल्लेबाज मुकेश। अच्छी गेंद थी मुकेश के लिए, एक स्वर्ण संधि है। सिक्स लगाएंगे तो ₹500 का इनाम मुकेश भाई के लिए रखा गया है जिगी भाई की जानिब से। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए स्वर्ण संधि है, अगर सिक्सर लगाते हैं तो ₹500 का इनाम दिया जाएगा।
मंच पर आए हुए सभी मेहमानों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। और मेहमानों की जानकारी के लिए मीरा भाईंदा चषक 2023 इस मैदान पर चलता हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान भाईंदा वेस्ट जिसका आयोजन किया है BSUG की जानिब से। प्रथम पारितोषी के पहला इनाम है 1,00,000 और ट्रॉफी, दूसरा इनाम है 50,000 रुपये ट्रॉफी। 16 टीमों को इस टूर्नामेंट में आमंत्रित किया गया है। 2 दिन तक चलने वाला ये टूर्नामेंट है और आज का पहला दिन है। पहले दिन का ये तीसरा मुकाबला मैदान पर चल रहा है। मेहमानों की जानकारी के लिए जो मुकाबला इस वक्त मैदान पर चल रहा है, गीता नगर वर्सेस फ्रेंड्स 11 के बीच मुकाबला चल रहा है। फ्रेंड्स 11 बल्लेबाजी कर रहे हैं और गीता नगर की टीम फील्डिंग कर रही है। इस वक्त रनों की संख्या हम अगर बोर्ड पर नज़र करते हैं तो 26 रन है और विकटें गिरी हैं 3। ओवर नंबर चौथा शुरू होने की तैयारी में है, चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। YouTube पर इसका लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं, GTC लाइव। और YouTube पर आए हुए सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। खेल शुरू होने की तैयारी में फिर एक बार चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बिपिन। सभी मान्यवर मंच पर उपस्थित हैं। राइट आर्म ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद खराब, गेंद वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा 27। विशाल गेंदबाजी के लिए, विशाल जी हाँ, दोनों गेंदे यहां पर इस वक्त डॉट इन। फुल टॉस गेंद और इसे खेल लिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 बाउंस गेंद को कलेक्ट किया गया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, अच्छी फील्डिंग है, सीधे थ्रो बॉलिंग एंड पर, दूसरे रन की किसी भी संभावना को यहां पर समाप्त किया। इस 1 रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 28 रन 28, 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर मैदान पर चल रहा है। 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में, इस बार ये गेंद जारी हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हैं और ये 2 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद जाती हुई, दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे का मुंह तकते रह गए और गेंद दोनों को चकमा देती हुई सीमा रेखा के पास 4 रनों के लिए। के लिए आ रहे हैं बल्लेबाज, अच्छी दौड़े विकेट के बीच में, 2 रन दौड़ करके पूरे किए। इन 2 रन की बदौलत स्कोर 34-34 पर पहुंचा। चौंतीस रन हो चुके हैं। आज जब मुकाबला शुरू हुआ था, सुबह टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो 39 रन बने थे पहले मुकाबले में। देखना है उससे आगे बढ़ पाते हैं या नहीं अगली गेंद इस ओवर की। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला 1 रन के लिए, 1 रन से स्कोरिंग में इजाफा 35-35 रन। मुकेश और आशीष की जोड़ी मैदान पर है। आखिरी गेंद इस ओवर की, चौथे ओवर की आखिरी गेंद। हमारे सभी मान्यवर इस वक्त आखिरी गेंद, फुल टॉस गेंद और ये गेंद जा रही है फाइन लेग सीमा रेखा की जानिब, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए, बहुत उम्दा फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर, कदमों के सहारे मुकेश कैप्टन
और चौका रोकने में सफलता प्राप्त की। नो बॉल अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा नो बॉल का। इस तरह से नो बॉल प्लस तीन, चार रन मिले और इस चार रन के बदले स्कोर 39 पर पहुंचा है। आखिरी गेंद अभी भी आनी शेष। फ्री हिट है, जी हाँ आखिरी गेंद है, फ्री हिट है। अब मौका है यहां पर रन बटोरने का। मीरा भाईंदर चषक 2023। फुल टॉस बनाकर के ऑन साइड में खेला, वाइडिश मिडन की दिशा में गेंद जा रही है दो खिलाड़ी के बीच से, और फिर एक बार यहां पर बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। आखिरी समय पर बिल्कुल गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की और दो रन दौड़ करके पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने इस आखिरी गेंद पर। इस तरह से 41 रन हो चुके हैं और 42 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है फ्रेंड्स ने गीता नगर 11 को इस मुकाबले में जीतने के लिए। बहुत ही उम्दा ये मुकाबला जी, आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर 41, 41 रन चार ओवर में केवल बनाया है, वो भी बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी देखने के लिए मिली। अच्छी शुरुआत खराब जरूर हुई थी लेकिन बाद में काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने की मिली और कुल मिलाकर के मुकेश जिन्होंने यहां पर अच्छी बल्लेबाजी की है, हर्ष ने भी एक चौका लगाया था और आशीष ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में सहायता की। शराबी
मित्र स्वतः बघायचं आहे 42वा विजयासाठी आहे। चार षटकांचा सामना आपण बघतोय, तिसरा सामना। थँक्यू व्हेरी मच। आपण बघतोय आमचे सगळे पत्रकार बंधू मित्र इकडे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सर्वांचा मी मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। सन्माननीय नितीन दादा ठाकूर यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि अतिशय चांगला सपोर्ट बीएससीजीला त्यांनी दिला आहे, त्यांचं मनापासून कौतुक आहे। किरीटश्याम मॅडम यांच्या मार्फत सकाळी उद्घाटन सोहळा पार पडला, त्यानंतर क्रिकेटला सुरुवात झाली। हा तिसरा सामना सुरू आहे, प्रेक्षकांच्या नजर आहे एकूणच या सामन्यावर, या चषकावर। मुकेश को एसएसपी की तरफ से विकेट पे, मुकेश को एसएसपी की तरफ से 500 विकेट पे विकेट लेगा। थँक्यू व्हेरी मच। मॅच ऑन झाले, पहिल्या चेंडूवर दोन धावा आलेत। मुकेश यांच्यासाठी पारितोषिक आलंय जिगीबाई यांच्याकडून, जर विकेट मिळवली तर 500 रुपये। मॅच ऑन झाले, 42वा विजयासाठी आहेत, पहिल्या चेंडूवर दोन धावा आलेत। नेक्स्ट बॉल मुकेश, दॅट्स अ गुड इथे जरबीतला लो फुल टॉस डिलिव्हरी कन्वर्ट केलाय डीप मिड विकेटला, 4 धावांसाठी चौकार। गुड शॉट बाय राहुल, दोन चेंडू झाले, 6 धावा। एसएसपी 11 की ओर से मुकेश के लिए 500 रुपये का इनाम होगा अगर वो विकेट लेते हैं तो। दो बॉल में 6 रन, दोन चेंडू झाले, 6 धावा।
यावेळेला मिस टाइम स्ट्रोक आहे, क्षेत्ररक्षक मात्र इथे नाहीये, चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार, व्हाट अ हिट, पहिला तीन चेंडूत 12 धावा, आम्ही आव्हान स्वीकारलंय, विजयासाठी 42 धावांची गरज आहे, प्रति षटकामागे गरज आहे 10.5 धावांची, आणि ती आम्ही आव्हान स्वीकारलंय, दाखवताना बॅटर आहे तो म्हणजे राहुल नाम तसू नाव का, ग्रेट बॅटिंग, ग्रेट बॅटिंग, आमच्या सगळ्या मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक आभार आणि कौतुक आहे, अतिशय चांगला सपोर्ट सन्मान्य नितीन ठाकूर साहेबांनी दिला आहे, आणि निश्चितच बहुजन विकास आघाडी मीराबाईंदर शहर जिल्हा अध्यक्षपद भूषवत असताना गेल्या कित्येक वर्षापासून सामाजिक कार्य शैक्षणिक क्षेत्रात आणि क्रीडा क्षेत्रात भरीव कामगिरी राहिलं आहे, आम्हाला अजूनही ती कलाक्रीडा स्पर्धा आठवते आहे, ओ दॅट्स अ गुड हिट, यावेळेला पहिल्या षटकात या सामन्याची हवा काढून टाकलंय, धाव संख्या 18, क्या बात है, व्हाट अ बॅटिंग, व्हाट अ बॅटिंग बाय राहुल, पहिल्या चार चेंडूत आलेत 18 धावा, ग्रेट बॅटिंग, आणि कदाचित या मालिकेत काहीतरी वेगळेपणा दाखवण्याचा प्रयत्न असेल, आणि हीच एक गोष्ट आहे, या मालिकेत वर आहे, चेंडू द्यायचा आहे प्लीज, थँक्यू, मॅच बॉल आय थिंक आलाय, मॅच बॉल आलाय आय थिंक, पहिल्या षटकात आपण बघतोय चार चेंडूत आलेत 18 धावा, वडा बॅटिंग बाय राहुल, आणि दुपारच्या सत्रात जेवढी उन्हं वाढलेत ना तेवढीच बॅट देखील तळपते, ही गोष्ट सांगताना आनंद होतोय, चला आपण याच दरम्यान आपण सर्व आमच्या पत्रकार बंधूंचा सन्मान करतोय, पराग रोहन इधर आओ, दॅट्स अ गुड बॉल, या वेळा कमबॅक डिलिव्हरी आहे, थोडस जास्त बॅट पासून अवे ठेवला आहे चेंडू, चेंडू इथे निर्धाव जाईल, आपल्या सगळ्या पत्रकार बंधूंचा आपण सन्मान करतोय, अजिम तंबोलीजी आहेत, तसेच साबिर शेख आहेत, यांचा आम्ही खास सन्मान या प्रसंगी आम्ही करतोय नितीन दादा ठाकूर यांच्या माध्यमातून, इथे जर बघितलं थोडस मिसफील्ड झालंय, एक धाव कम्प्लीट होते, दुसऱ्या धावसाठी कॉल दिलाय, आणि या दोन धावा कम्प्लीट, पहिल्या षटकात आतापर्यंत धावसंख्या जर बघितली तर तब्बल 20 धावा, म्हणजे 42 धावा विजयासाठी आहेत, आणि पहिल्या षटकात जमवलेत 20 धावा, आता शेवटचे 18 चेंडू आणि करायचे आहेत 22 धावा, ऑन रेकॉर्ड मीरा भाईंदरचे पत्रकार आहेत साबिर शेख आणि अजिम तंबोलीजी, आणि त्यांचे आम्ही मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय, ही स्पर्धा चांगल्या पद्धतीने त्यांनी कव्हर केलंय, आणि येत्या काही दिवसातच आपल्याला या स्पर्धेचे बाईट्स तुम्हाला निश्चितच त्यांच्या चॅनलच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळत आहे, थँक्यू व्हेरी मच अजिम तंबोलीजी, थँक्यू व्हेरी मच साबिर शेख साहब, तर धावसंख्या झाली ती 20, 42 धावांची गरज आहे, अजूनही 22 धावा करायचे आहेत, पहिल्या षटकात ज्या पद्धतीने बॅटिंग झालंय त्यामुळे निश्चितच इथे आता टेन्शन वाढलंय, ते म्हणजे SSP 11 जिगीबाईचं, की मैंने तो मुकेश को 500 रुपये का इनाम रखा था लेकिन मुकेश ने 20 दिए, अली येतोय गोलंदाजी मार्कवर, अलीला या अली म्हणावं लागेल कारण 18 चेंडू आणि 22 धावा या मैदानाचा विचार करता हे इक्वेशन मोठं नाहीये, गरज आहे फक्त सातत्यपूर्ण बॅटिंग करण्याची, आता पंकज पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याला स्ट्राईक नव्हती, आता तो स्ट्राईकवर आहे, लाईव्ह टेलिकास्ट GTC लाईव्हच्या माध्यमातून केलं जात आहे, जबरदस्त टेलिकास्ट पाहायला मिळत आहे, 7 सेटअप आहेत या एकूणच GTC लाईव्हचे, आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांची कर्तबगारी सुरू आहे, वेल डन GTC, अली गोलंदाजी मार्कवर, पंकज साडी खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे, वर पिच केला आहे, ब्लॉकल डिलिव्हरी ज्याला आपण म्हणतो, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही आहे, चेंडू निर्धाव जातो आहे, गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग, नेक्स्ट मॅच जेम्स वॉन राई वर्सेस जय श्रीराम, दोन्ही टीम कॅप्टनला विनंती करतोय रेडी रा, यावेळेला पुन्हा इथे अक्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न झालाय, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही आहे, लेट सी द अंपायर डिसिजन, लाईक बायचा इशारा आहे, थँक्यू व्हेरी मच, एक धाव, धावसंख्या 21, अजूनही 21 धावांची गरज आहे,
21 रिक्वायर्ड रन्स टू बीन. चला धोनी कॅप्टन टॉस आउट या प्लीज. या दरम्यान गुरुजींचं आगमन होतंय. वेलकम गुरुजी, आपलं स्वागत आहे. आणि प्लीज आपण व्यासपीठावर मोरे गुरुजी इथे उपस्थित होत आहेत, त्यांचं आपण व्यासपीठावर स्वागत करूया. चला टॉस सेडी आहे दोन्ही कॅप्टन. आणि मी विनंती करतोय संगीत विनोद म्हात्रे यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होणार आहे. जय श्रीराम. मीरा रोड कॅप्टन नेक्स्ट बॉल अली टू राहुल. स्लो डिलिव्हरी आहे, तितकं स्टायलिश पद्धतीने चेंडूला फक्त ढकलून दिला आहे तो म्हणजे मिड ऑफ वर. एकच धाव मिळेल. गुड क्रिकेट बाय राहुल. अजून एक धाव, संघाची धावसंख्या 22. 20 रिक्वायर्ड रन्स टू बीन. 20 धावांची अजूनही गरज आहे. यावेळेला मात्र पंकजच्या बॅट मधून हा षटकार येतोय. आणि पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये लवकर येताना दिसते ते म्हणजे टीम गीतानगर. अफलातून बॅटिंग रोहन आणि राहुलची अफलातून, पंकज आणि राहुलची अफलातून बॅटिंग इथे पाहायला मिळते. अलीवर आक्रमण केले जाते. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 28. 14 धावांची गरज आहे. याला पुन्हा एकदा स्टायलिश फटका आहे. क्षेत्ररक्षक आहे मात्र तो काही करू शकला नाहीये. आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय वन बाउंड सीमरच्या बाहेर. 4 धावांसाठी धावसंख्या 32. धाव संख्या झाले ती म्हणजे 32. 10 धावांची गरज आहे. यावेळेला हा व्हाईटचा इशारा. अवांतर धाव मिळते, अवांतर धाव मिळते. धाव संख्या 33. 9 धावांची अजूनही गरज आहे. नाईन रिक्वायर्ड रन्स टू बीन. अली गुड चेंज ऑफ पेस. मात्र हा फटका इथे आपण बघतोय जेल झालाय. अतिशय चांगला हर्ष आपण बघतोय. हर्ष भोईर मॅन फ्रॉम मुर्दा. अतिशय चांगला जेल इथे पाहायला मिळतोय. आणि निश्चितच या जेलामुळे इथे पहिला धक्का बसतोय तो म्हणजे पंकजच्या रूपानं. पंकज बॅक टू बॅलन्स. संघाची धावसंख्या आहे 33. 33 हॅलो. टॉस बॉस अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है जेम्स बॉन्ड राई और जय श्रीराम टीम के बीच में. जय श्री राम के अभिषेक और मोहित जेम्स बॉन्ड राई के और हमारे पाटिल साहब के हाथों से टॉस. मात्रे संगीत मात्रे टेल द कॉल और टेल इट इज. यानी कि मोहित ने ये टॉस जीता है. मोहित ऑल द बेस्ट सर्वप्रथम आणि अभिनंदन. पहिला टॉस जिंकलाय, काय निर्णय? फिल्डिंग करू आम्ही, दोन्ही अँगलने खेळायचं. फिल्ड फर्स्ट. आणखीन काय जे तू खेळाडू आणलेस इथे आज खेळण्यासाठी? होम ग्राउंड आहे नक्कीच, कारण राई आणि भाईंदर काही लांब नाही. तर काय या मैदानाबद्दल काय सांगशील? या मैदानाबद्दल काय सांगायचं, हे ग्राउंड तर खूप चांगलंच आहे. सर्व मुरा भाईंदर पूर्ण इकडेच खेळते नेहमी. या ग्राउंडबद्दल काय सांगणार?
जास्त काही विचारत नाही, थँक यू आणि ऑल द बेस्ट या मॅच साठी. भाई मॅच टॉस जरूर हारे आप, लेकिन क्या निर्णय है आपका और किस तरह से आप इस मुकाबले को देख रहे हो? अभी तो देखो हम लोग अपना बेस्ट देंगे, बैटिंग आई है जितना हो सके उतना रन बनाते, फिर बाद में तो बॉलिंग साइड आई, ट्राई करेंगे जो होगा बेस्ट. ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू इस टूर्नामेंट के लिए, दोनों ही टीमों के लिए ऑल द बेस्ट. टॉस यहाँ पर राय के कैप्टन ने जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. ओवर टू संकेत पाटील. थैंक यू. 33 धावा झाले आहेत, अजूनही 9 धावांची गरज आहे विजयासाठी. चेंडू शिल्लक आहेत ते म्हणजे 12 चेंडू 9 धावा. गोलंदाजी मार्कवर येतोय आशिष आणि न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये केतन गेलाय, मात्र तो नॉन स्ट्राईक एंडला असेल, स्ट्राईक एंडला आहे तो म्हणजे राहुल. आतापर्यंत या 19 इनिंगमध्ये 2 षटकार आणि 1 चौका टोकलाय राहुलना, त्यामुळे त्याचे हौसले बुलंद असतील. 12 चेंडूत करायचे आहेत 9 धावा. नेक्स्ट मॅच जेम्स बॉन्ड राई वर्सेस जय श्रीराम मीरा रोड. बघा जसे जेम्स बॉन्ड राई आलंय तशी प्रेक्षकांची संख्या वाढली आहे. क्रिकेटवर भरपूर प्रेम करणारा गाव आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि आमचा जेटीसीचा कॅमेरा सगळ्या प्रेक्षकांना देखील कव्हर करणार आहे. चला 9 धावाची गरज आहे, 12 चेंडू 9 धावा. फ्लाइट डिलिव्हरी आहे, फ्लाइट ने चकवले जरूर, चेंडू इथे मात्र आपण बघतोय निर्धाव जाणार. गुड बॉलिंग आशिष, ओपन हार्ट ने चेंडू टाकतायत. हा सामना जिंकावचा असेल तर इथे फ्रेंड्स इलेव्हन संघाला भरपूर मोठी मेहनत करावी लागेल. पुन्हा एकदा फ्लाइट दिलंय, फ्लाइट वर बीट केलंय, व्हाट अ बॉलिंग. ये क्या हो रहा है टेनिस बॉल क्रिकेट में, ऐसी ऐसी गेंदे डॉट हो रही है. शेवटचे 10 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. वेलकम बिंगो. येस नेक्स्ट मॅच 5 षटकांचा असेल, लक्षात घ्या एका षटकाचा पॉवर प्ले असेल. टीम जेम्स बॉन्ड राई आणि जय श्रीराम मीरा रोड टीम, इट्स अ 5 मॅच. यावेळेला पुन्हा एकदा फ्लाइट दिले, तिसऱ्यांदा इथे बीट केले, मात्र इथे धाव मिळणार. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल नाहीये, एका जाव लेग बायचा इशारा. थँक्यू व्हेरी मच. पहिल्या 3 चेंडू मध्ये आले 1 धाव, आता शेवटचे 9 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 9 चेंडू मध्ये करायचे आहेत 8 धावा. मॅच इज स्टील ऑन. क्रिकेटमध्ये आपण म्हणतो अनिश्चितता भरपूर असते आणि म्हणूनच म्हटलं जातं क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज आणि तीच गोष्ट इथे पाहायला मिळते. केतन स्ट्राईकला येतोय. पहिल्या सामन्यामध्ये केतननं चांगली बॅटिंग केली होती, 9 धावा केल्या होत्या, मात्र या सामन्यामध्ये आता करायचे आहेत त्या म्हणजे 8 धावा. केतनला उभं राहावं लागेल, टेन्शन सभीवर दिख रहा है. जिगी भाई टेन्शन में, क्या होगा इस मॅच का. नऊ चेंडू करायचे आहेत 8 धावा. क्षेत्रक्षण आपण बघतोय ज्या पद्धतीने सजवलंय त्या पद्धतीने आता गोलंदाजी होणार का. आता पॉइंटवर एक क्षेत्ररक्षक आणलाय, त्यानंतर आपण बघतोय थर्ड मॅनला भरपूर वाईल्डिश क्षेत्ररक्षक ठेवलाय जेणेकरून एक्झॅक्टली काय करायचं आहे ही गोष्ट आपल्याला कळू शकेल. मात्र वारंवार क्षेत्ररक्षण चेंज केलं जात आहे. डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम. थर्ड इयर सर्कलचा नियम जो आहे लक्षात घ्या, 4 खेळाडू थर्ड इयर सर्कलच्या आतमध्ये तुम्हाला थ्रू आउट ठेवावेच लागतील आणि त्या नियमांकडे लक्ष वेधतोय. लेट्स सी नेक्स्ट बॉल कसा असेल. यावेळेला मंकडिंग, पहिल्या सामन्यात त्या गोष्टी आम्ही पाहू शकलो होतो. नेक्स्ट मॅच जेम्स बॉन्ड राई प्लेअर टू वॉच मिस्टर जश पाडेल. दॅट्स अ व्हेरी गुड बॉल, दॅट्स अ व्हेरी गुड बॉल. शेवटच्या 8 चेंडू आणि आता 8 धावांची गरज आहे. कोण जिंकेला सामना विचारावा लागेल वैजाला. आज चेंडूत करायचे आहेत 8 धावा. पुन्हा एकदा इथे फ्लाइट दिलंय,
इथे मात्र हा नो बॉल घोषित केला आहे, कारण विकेटला सोडून टाकलेला हा चेंडू आहे आणि इथूनच मागून कदाचित टाकलंय किंवा काय, लेट सी. इथे नो बॉल घोषित केलाय. थँक्यू अंपायर. नो बॉल, क्रुशल टायमिंग वर नो बॉल आलाय. एक धाव मिळते, अजूनही गरज आहे 7 धावांची आणि चेंडू शिल्लक आहेत 8. चला आर्ग्युमेंट नको, आर्ग्युमेंट नको प्लीज. नेक्स्ट बॉल, यावेळेला फुल टॉस डिलिव्हरी आहे. समोर खेळलेत मात्र वन बाउन्स वर चेंडू आडवेपर्यंत. एक धाव कंप्लीट, दुसरी धाव येस कंप्लीट होणार. दोन धावा, या महत्वपूर्ण दोन धावा. संघाची धाव संख्या 37 वर जाऊन पोहोचले. 42 टार्गेट आहे, 37 धावा झालेत, करायचे आहेत फक्त 5 धावा आणि चेंडू शिल्लक आहेत 7. एवढा पुणे फ्लाइट डिले. इथे चेंडू हवेत आहे, हा जेल होणार काय, आली आहे जेल ड्रॉप झालाय. एक धाव जरूर मिळते, हा जेल होणं गरजेचं होतं, अलीना जेल सोडलाय. त्यामुळे आता शेवटचे 6 चेंडू आणि करायचे 4 धावा. लो स्कोरिंग मॅचेस, मात्र या सामन्यात स्कोर चांगला होता. पहिल्या दोन सामन्याचा विचार केला अख्तरभाई, स्कोर चांगला होता, 10 सरासरी पलीकडे होती. मात्र पहिल्या षटकात आल्या 20 धावा आणि मोठा फरक पडला. मात्र अजूनही 6 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे. नेक्स्ट मॅच, जय श्रीराम मीरा रोड वर्सेस जेम्स बॉन्ड राय. या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक आहे, रोख रक्कम 1,00,000 रुपये. द्वितीय पारितोषिक आहे, रोख रक्कम 50,000 रुपये आणि आकर्षक ट्रॉफीज आपण बघतोय, जबरदस्त ट्रॉफीज. BSUG यांच्या मार्फत आपल्याला या स्पर्धेचं आयोजन पाहायला मिळतंय. ज्यांना ज्यांना प्रेशरचा त्रास आहे त्यांनी घरं जावं, लवकर घरी जावं. सहा चेंडू 4 धावांची गरज आहे. गीतानगर वर्सेस फ्रेंड्स इलेव्हनचा सामना सुरू आहे. गीतानगर संघ चेस डाऊन करतोय, 4 धावा कंपल्सरी चेस आहे. नेक्स्ट मॅच, मात्र प्रतिम खेळाडू आमने सामने असतील. एका बाजूला अमय, दुसऱ्या बाजूला प्रफुल्ल पाटील, एका बाजूला एजाज तर दुसऱ्या बाजूला जश पाटील. यावेळेला हा जेल, नाही जेल सुटला, हा जेल गोलंदाजी मार्कवर आहे तो म्हणजे दीपक. हा जेल सुटलाय, हा जेल सुटलाय, प्रामाणिक प्रयत्न नाहीये, जेल होणं गरजेचं होतं. मात्र इथून पुढे गरज आहे 3 धावांची आणि चेंडू शिल्लक आहेत 5. नेक्स्ट मॅच मध्ये एका बाजूला तुम्ही रोहितला पाहू शकता तर दुसऱ्या बाजूला मोहित पाटील यांना पाहू शकता. यावेळेला सॉफ्टवेअरचा वापर, हा जेल होणार का, वाड कॅच बा. ढोकलाय
मात्र कुठेतरी शेवटच्या क्षणी तो कमी पडलाय. अप्रतिम जेल हर्ष ने टिपलाय. वेल टेक हर्ष. अतिशय चांगला जेल आणि कुठेतरी या सामन्यामध्ये थोडासा फरक पडेल. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सुनील उतरलाय. शेवटचे चार चेंडू आणि करायचे 3 धावा कंपल्सरी चेस. या स्पर्धेसाठी अनेक अनेक मान्यवरांनी आम्हाला सहकार्य दिलंय. सन्माननीय रीटा शाह असो, तसेच ऍडव्होकेट रवी व्यास जी असो, गिलबर्ट जॉन मेंडोन्झा साहेब असो, तसेच लोकनेते आमदार हितेंद्रजी ठाकूर असो, आणि त्यांच्याच सान्निध्यातून नितीन ठाकूर साहेबांनी अतिशय चांगलं सहकार्य या स्पर्धेसाठी दिलंय. त्यांचा आम्ही मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. मोजेस चिनप्पा, क्रिस चिनप्पा फाउंडेशनचे, यांच्या मार्फत देखील आम्हाला अतिशय चांगलं सहकार्य आलंय. चार चेंडू 3 धावांची गरज आहे. क्षेत्रक्षणामध्ये बदल होतोय. सिलमिड ऑन आहे, सिलमिड ऑफ आहे. स्लिप इन पोझिशनला एक क्षेत्रक्षक आलाय. दीपक बाय वर्सेस सुनील. यावेळेला हा चेंडू सीमारेषेच्या पार, सामना संपलाय. वेल प्लेड सुनील.